गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई 2020। तो आज के डेली करंट अफेयर्स में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैं अर्चना सिंह आप लोग का सक्सेस मंच चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो हम लोग देखेंगे आज देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स में नया हुआ और क्या स्पोर्ट्स में नई खबरें हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम एक्स्ट्रा कोई भी न्यूज़ यहाँ नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा जो व्यूवर्स नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल पे विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मेंस से रिलेटेड, प्री से रिलेटेड और भी आपकी लाइफ से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। तो एक बार अगर चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। इसके अलावा हर एक वीडियो की PDF आप लोगों को मेरे सक्सेसमंड चैनल और सक्सेसमंड टेलीग्राम चैनल और सक्सेसमंड फेसबुक पेज दोनों पे मिलेगा, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सारी क्वेरीज़ का हल मैं आपको वहाँ दूंगी और जवाब भी ज़रूर मिलेगा आपकी हर एक क्वेरी का। तो मेंस के पेपर 1, 2, 3, 4 एज इट इज़ जैसे चल रहे थे मंडे टू सैटरडे, वैसे ही चलते रहेंगे। और PDF की जहाँ बात है करंट अफेयर की, तो वीकली PDF आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो मतलब कि 7 डेज बाद आपको PDF सक्सेस मंच पेज फेसबुक का है और टेलीग्राम चैनल दोनों पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने। ये सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है और ये उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। IIT कानपुर की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। इसके जो प्रेजेंट निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, जिसे MSME भी कहा जाता है, के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये दी है 750 मिलियन डॉलर को। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर MSME की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, मुख्यालय है Washington DC में और MD और CEO हैं प्रेजेंटली अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की न्यूजीलैंड ने घोषणा की है और यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। अगर APEC की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कार्यकारी निदेशक हैं इसके डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया। मुख्यालय है इसका सिंगापुर में। और यहीं अगर न्यूजीलैंड को देखें हम तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डनन। और ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आप लोगों के लिए मैं स्पेशली लेके आती हूँ कि न्यूज़ के साथ साथ आप लोगों का GS GK भी तैयार होता रहे, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो एज यू ऑल नो कोरियोग्राफर थी वो। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट, श्रृंगारम जो कि तमिल फिल्म है, फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, खलनायक, चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फॉर अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है M. वेंकैया नायडू ने। इस पुस्तक को CAV पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था और M. वेंकैया नायडू, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। आई सी
एकेडमी जो है उसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में, इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है फेसबुक ने। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है। 10 जुलाई के बाद ये ऐप इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो जियो ने किया है जियो मीट नाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से एक बार में डायरेक्ट कॉल सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल यूज़र को मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की किस दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये है दवा कोरोनिल को। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि पतंजलि यह दवा केवल शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये तीसरा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा, जो कि 100 एकड़ में राजस्थान में बनाया जाएगा। तो जिसका डिज़ाइन भी फाइनल कर चुके हैं और बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है दुनिया का और मेलबर्न स्टेडियम सेकंड नंबर पे आता है। ये जो बनने जा रहा है राजस्थान में, ये थर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम में। हाल ही में वियतनाम के हनोई में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, जहां पर ठहरने के लिए एक रात की कीमत $250। इस होटल में कमरे से लेकर टॉयलेट तक में गोल्ड प्लेट है। डोल्स हनोई गोल्डन लेक नाम के इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाई गई है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।